क्या हुआ? फिर क्या, मैंने बोल दिया भाड़ में जा चाय तो पी लो। हाँ हाँ, इस मौसम में जितनी चाय पिए उतना कम है। हाँ सच बात है, आजकल मेरी 3-4 चाय हो जाती है दिन में। वैसे बहू नहीं दिखाई दे रही आपकी? आ जाना चाहिए था अभी तक तो। अरे आंटी जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ बेटे बैठो। तुझे भी फोन लगा रही थी, देर हो गई आने में आज। वो मम्मी संडे को ना एक बहुत बड़ा इवेंट है ऑफिस में, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। मतलब संडे को भी ऑफिस जाएगी तू? हाँ जरूरी है थोड़ा। हो गया ना घर गृहस्थी का कल्याण, नौकरियाँ। अच्छा मम्मी जी आप बता दीजिए कि डिनर में क्या बनेगा? डिनर बाद में, तू ऐसा कर वधू आंटी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल दे जा। रहने दीजिए, थकी हुई आई है बहू ऑफिस से, फिर कभी। तो कोई हमने कहा है नौकरी करने को? अपनी मर्जी से कर रही है, और पकौड़े बनने में देरी कितनी लगती है? 2 मिनट। जा जा जल्दी जा। अरे हमने भी बहुत काम किया अपने जमाने में, याद नहीं है? सुबह 5 बजे उठ के सबका खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, सबके कपड़े धोना। पर आजकल तो सुविधाएं इतनी हो गई हैं, हमारे जमाने में तो चूल्हे पे खाना बनता था। चाय तो पी ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, यू नो हाउ थिंग्स चेंज आफ्टर मैरिज। अच्छा मैडम, इतना चेंज हो गया है क्या सब कि तुझे अपनी बेस्टी को कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ऑफिस में इतना सारा काम होता है, फिर ऑफिस के बाद घर आके इतना काम होता है, तो इट्स बीन बिजी। चल तू आराम से काम कर ले, और मंडे को पक्का मिल रही है ना? हाँ हाँ पक्का, श्योर, बस टाइम पे आ जाना। श्योर, सी यू, बाय। प्रिया या बहुत टाइम से मिली नहीं हूं ना उससे, तो इस वीकेंड आई एम प्लानिंग टू मीट। आई थिंक यू शुड टोटली सोशलाइज, पूरे दिन ऑफिस का काम कर रहे थे। देख रहे हो ना कितना काम होता है। मुदित प्लीज, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डेडलाइन टू मीट। मुदित काम कर रही हूँ मैं, प्लीज। कम ऑन यार। प्लीज मुदित मैं काम कर रही हूँ। चिल्लाओ मत मेधा। आई डोंट इवन फील लाइक वी मैरिड। तो क्या करूं, ये जॉब छोड़ दूं? Then you will know that we are married. No, I never said that. All I'm saying is I don't even remember the last time we spent time together or we went out. For God's sake. I don't know, यार. I mean, शादी के बाद चीजें इतनी बदल जाएंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था. For the first time in my life, मेरी जॉब में सब कुछ first class चल रहा है. And you know what? I'm not even happy about it. I feel like I'm constantly disappointing everyone. क्या हुआ? मुदित से कुछ हुआ है क्या? It's not about him. उसको तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ. He has been so supportive of my career from day one. लेकिन अब चीजें बहुत अजीब सी हो गई हैं यार. मम्मी जी को लगता है कि मैं घर का ध्यान नहीं रखती हूँ, बाहर घूमती हूँ. हर बेबी का अलग प्रेशर है. तो मुदित क्या कह रहा है इस बारे में? Is he ready for the baby? वो भी उसने मेरे ऊपर डाल दिया यार. बेसिकली उसके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. द इशू इज कि मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा फील कराया जाता है जैसे आई एम नॉट डूइंग एनफ फॉर माई फैमिली. जैसे मैं जॉब करके कोई पाप कर रही हूँ, अपनी फैमिली निगलेक्ट कर रही हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस जॉब ही छोड़ दूँ. आई कॉन्ट टेक दिस एनी मोर. Enough about me. तू बता तेरा कैसा चल रहा है, हाउस जॉब? तो आगे पता चलेगा, अभी इंटरव्यू है कल मेरा. इंटरव्यू? तेरी लास्ट जॉब का क्या हुआ? उसे छोड़े हुए तो 6-7 महीने हो गए. What? 6-7 महीने? तो मुझे अब बता रही है? I tried to connect with you, पर तू ही बिजी चल रही थी इतना. God, I'm so sorry. मैं इतना बिजी हो गई थी कुछ टाइम से कि किसी से बात करने का मौका नहीं मिला. I'm really sorry. It's okay. लाइफ है, चलता है. सो टेल मी, व्हाई डिड यू लीव योर जॉब? सेम रीजन.
घर पर टाइम नहीं दे पा रही थी, सास ताने दे रही थी, बच्चे का अलग प्रेशर, छोड़नी पड़ी। तो अब फिर से तुम्हारी मदर इन लॉ ने अलाउ कर दिया जॉब के लिए? मेरी मदर इन लॉ, वो भी मुझे अलाउ? नेवर। जॉब छोड़ने के बाद नए ताने पड़ने लग गए हैं। पूरा दिन करती क्या हो, आता ही क्या है तुम्हें, आराम करती रहती हो, घर से सीख कर क्या आई हो, एंड ब्ला ब्ला। दैट इज सो सैड यार। तो तुम घर पे बैठी हो तब भी प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली माई लव, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी, जॉब करो या ना करो, ताने तब भी पड़ने हैं। और अपनी जॉब छोड़ के अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करके कुछ नहीं मिलना यार, इट्स नॉट द सोल्यूशन। एंड अगर तू खुद खुश नहीं रहेगी तो दूसरों को कैसे खुश रखेगी? तो सुनो सबकी पर करो अपने मन की। I don't know what to say. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुदित के साथ सब ठीक कर, स्पेंड टाइम विद हिम यार, रिश्तों में वक्त देना बहुत ज़रूरी है। सही कह रही है, एंड थैंक यू सो मच मेरे से नाराज़ ना होने के लिए। I'm sorry. I'm sorry ना, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया कल। It's okay. मैं भी थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया। नहीं यार, इसमें मेरी ही गलती है। भूल ही गई थी कि जॉब इज नॉट एवरीथिंग। और फिर मम्मी ने भी मुझसे कुछ कह दिया था और उनका गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। See, I know my mom is not the easiest person to deal with. Trust me, दिल की बुरी नहीं है। उन्होंने जो बचपन से देखा है वो वही एक्सपेक्ट करती हैं। But I will make sure that she knows that you have a job which is important. I will always support you. Thank you for always understanding me. वैसे मैं क्या सोच रही थी कि इस वीक हम लोग कहीं ट्रिप पे चलें। ट्रिप पे? हाँ। और काम? This week will be all about us.